fluid mechanics, and we don't take those two subjects. The topic is the impact of fluids या फिर jets है. ठीक है. तो fluid mechanics का अगर आप syllabus देखते हैं तो इसमें दो पार्ट आते हैं, एक तो machines, एक तो mechanics का और एक machines का. तो जो machine parts है, जो machine का जो part है उसका basic chapter है, सबसे पहला chapter impact of fluid. ठीक है. Basic क्यों है? तो देखो machines अपने दो हैं, एक तो है turbine और एक है pump. देखो turbine में क्या होता है, जो फ्लूइड की जो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, उसको इससे अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, है ना. और पंप में उल्टा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. ये कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे करते हैं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कॉइल को घुमाना है, घुमाना है मतलब मैकेनिकल एनर्जी देनी है. ठीक है. तो अपने मैकेनिकल एनर्जी कैसे देते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ने के लिए अपन को ये देखना पड़ेगा कि पानी में जो फ्लो हो रहा है उसमें कैसे फोर्सेस लगे, वो कैसे घुमाना शेफ्ट है. ठीक है. तो उसके जो बेसिक पढ़ने के लिए अपन को ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, इम्पैक्ट ऑफ फ्लूइड या फिर जेट चैप्टर. इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि कोई भी पानी का जेट है वो कोई भी प्लेट पे अगर इम्पैक्ट करता है या फिर संग्रह करता है, ठीक है, तो उसपे वो कितना फोर्स डालता है. ठीक है. अब देखो जेट है पानी का, वो किसी, अब जो प्लेट है ना वो प्लेन भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है. ठीक है. और जो अब प्लेट है ना इंक्लाइन भी हो सकती है. ठीक है. तो अपन को ये सारे केसेस पढ़ने पड़ेंगे, जो जेट है वो फ्लैट प्लेट पे, इंक्लाइन फ्लैट प्लेट पे, कर्व्ड प्लेट पे. अब कर्व्ड प्लेट पे भी दो होते हैं, देखो मुड़ी हुई प्लेट है ना, सेंटर पे पानी ऐसे निकल सकता है और एक टिप पे पानी भी आ सकता है, इस तरह से निकल सकता है. ठीक है. ये सारे केसेस अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे. ठीक है. लेकिन इसका सबसे बेसिक जो है वो क्या है, सबसे पहले इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन. ठीक है. अपन ये जो पढ़ेंगे ना कि कैसे पानी में प्लेट के ऊपर कितना फोर्स लगा, जिसको पढ़ने के लिए बेसिक अपन फिजिक्स के प्रिंसिपल में जाना पड़ेगा और वो है इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन. ठीक है. इंपल्स मोमेंटम क्या इक्वेशन क्या चीज है ये अपन देखते हैं. देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ. न्यूटन का सेकेंड नियम क्या था, न्यूटन सेकेंड लॉ अपन ये पढ़ते हैं ना बचपन से, फोर्स इज मास टाइम्स एक्सीलरेशन. इसी को अपन दूसरी फॉर्म में पढ़ सकते हैं, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम. मतलब संवेग में परिवर्तन की दर आवर्तित बल के बराबर होती है. ठीक है. ये न्यूटन्स लॉ की दूसरी फॉर्म है और ये नॉर्मल ही चीज है वेक्टर क्वांटिटी से सदिश राशि. ठीक है. मोमेंटम क्या होता है, मास टाइम्स वेलोसिटी. ठीक है. मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है इसी को मोमेंटम बोलते हैं. ठीक है. और उसमें समय के साथ परिवर्तन की दर को बल कहते हैं. ये न्यूटन सेकेंड लॉ ही है. ठीक है. अब देखो अगर मैं डीटी की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, एफ डॉट डीटी बराबर डी ऑफ टी. ये इक्वेशन जो आई ना ये अपन को क्या बता रही है, देखो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. इस इक्वेशन को अपन बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन. ठीक है. इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन. इसमें देखो ये जो क्वांटिटी होती है ना फोर्स इन टाइम इसको बोलते हैं इंपल्स. ठीक है. और ये मोमेंटम है ना वो भी इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन. ठीक है. देखो बेसिक चीज आपने बचपन में भी पढ़ी होगी, इफेक्ट ऑफ फोर्स. अगर फोर्स को मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करता हूँ ना डिस्प्लेसमेंट से तो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये बेसिक बता रहा हूं मैं. ठीक है. और फोर्स को अगर ये होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना वर्क डन, और फोर्स को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो आता है चेंज इन मोमेंटम. ठीक है. वो चीज है इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम. ठीक है. लेकिन ये इक्वेशन उन बॉडीज के लिए वैलिड है जहां पे जो फोर्स लग रहा है वो फाइनाइट टाइम के लिए लग रहा है. ठीक है. या फिर है ना रिजिड बॉडीज वगैरह जो है. अगर हम फ्लूइड के केस में पढ़ेंगे, फ्लूइड के केस में ये थोड़ी सी मॉडिफाइड इक्वेशन हो जाती है इंपल्स मोमेंटम. ठीक है. वो किस फॉर्म में आती है, देखो वो इस फॉर्म में आती है.
देखो इस इक्वेशन में मैंने क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, एक्स का मतलब है किसी को कोई डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन ले लो, मान लो एक्स है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू मास फ्लो रेट। ये एम डॉट क्या है, मास फ्लो रेट, द्रव्यमान प्रवाह की दर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। फ्लूइड की केस में जो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आती है, ठीक है, ये है चेंज इन वेलोसिटी, ये है मास फ्लो रेट। मैंने आपको पहले चैप्टर्स में पढ़ा रखा है मास फ्लो रेट किसके बराबर होती है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डिस्चार्ज, या फिर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन से डिस्चार्ज करता है एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये है मास फ्लो रेट है, ठीक है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना मास, केजी पर सेकेंड क्यूबिक क्या थी, केजी पर सेकेंड, ठीक है। तो अब देखो इक्वेशन यही है, इक्वेशन यही कैसे, देखो फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, अब ये क्या है, देखो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम पर सेकेंड है ना, तो चेंज इन मोमेंटम इन टाइम किसके बराबर है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, और इसमें हमको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, जिस दिशा में फोर्स लगेगा उसी दिशा में वेलोसिटी डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू मास टाइम मोमेंटम फ्लो, मोमेंटम पर सेकेंड है ना, इन दैट डायरेक्शन है ना, तो ये है चेंज इन वेलोसिटी और ये है मास फ्लो रेट। तो अपन आगे के जो केसेस पढ़ेंगे उसमें इस इक्वेशन का यूज करेंगे, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन इन केस ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इनटू में चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो अपन अपना पहला केस पढ़ते हैं, हम देखो पहला केस पढ़ने से पहले अपन एक चीज बेसिक समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू एम डॉट डेल्टा वी, ठीक है। एम डॉट डेल्टा वी का क्या मतलब है, एम डॉट डेल्टा वी क्या है, वी टू माइनस वी वन इन एक्स डायरेक्शन, अगर ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू एम डॉट वी टू माइनस वी वन, वी टू माइनस वी वन मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है। अब मान लो कोई भी पानी का जेट है वो वी वन स्पीड से आ रहा है, ठीक है, उसमें मास फ्लो रेट एम डॉट है, ठीक है। प्लेट से कैसे भी टकराता है, कोई भी प्लेट है, कर्व है, कैसे भी प्लेट है, उससे टकराएगा, उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मान लो वी टू, ठीक है। तो अब देखो पानी के मोमेंटम में चेंज आया, मतलब इस पे फोर्स लगा, ठीक है, नहीं क्या है, मोमेंटम में चेंज फोर्स। तो देखो पानी पे कितना फोर्स लगा, फोर्स बाय प्लेट ऑन वाटर, सही है, फोर्स किसपे लगा, पानी पे, किसने लगाया, प्लेट नहीं लगाया होगा, ठीक है, वो किसके बराबर है, एम डॉट वी टू माइनस वी वन, सही है। अब आप एक चीज ध्यान रखो, अगर आपके ध्यान में है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का कहता है, अगर कोई बल लगाते हैं तो उस पर एक अपोजिट बल लगता है उसकी अपोजिट दिशा में और उसका सेम मैग्नेटिक होता है, यही होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो पानी प्लेट ने वाटर पे कोई फोर्स लगाया, ठीक है, प्लेट ने वाटर पे फोर्स लगाया, इसके अपोजिट दिशा में इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स वाटर लगाएगा प्लेट पे, सही है। अब देखो अगर मैं इसको इन दोनों इक्वेशन को बराबर करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, देखो माइनस ऑफ फोर्स बाय वाटर ऑन प्लेट, बल कौन लगा रहा है, पानी प्लेट पे लगा रहा है ना, ये किसके बराबर होगा, एम डॉट वी टू माइनस वी वन, यहां पर नेगेटिव है, ठीक है, अगर नेगेटिव इस तरह ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, वी वन माइनस वी टू बन जाएगा। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं इस इक्वेशन को, फोर्स ऑन वाटर बाय ऑन प्लेट, फोर्स बाय वाटर ऑन प्लेट किसके बराबर होगा, एम डॉट वी वन माइनस वी टू, इस इक्वेशन को मैं यहां वापस लिखता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन का यूज करेंगे, फोर्स
by a water on plate किसके बराबर है? M dot V1 minus V2. अब V1 क्या है? प्लेट पे इंपैक्ट होने से पहले की वेलोसिटी, और V2 क्या है? प्लेट पे इंपैक्ट होने की बाद की वेलोसिटी. तो ये इक्वेशन अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अपन आगे सारे केसेस, जितने भी केसेस पढ़ेंगे उसमें ये इक्वेशन यूज करेंगे. ये क्यों करेंगे? क्योंकि अपन इसमें क्या निकाल रहे हैं? फोर्स कौन लगा रहा है? फोर्स जो फ्लूइड है, जो पानी है, वो प्लेट पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये अपन कैसे निकालेंगे? एम डॉट मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय वी वन माइनस वी टू. प्लेट से टकराने से पहले की क्या वेलोसिटी थी, माइनस बाद में क्या वेलोसिटी है. ठीक है, इसमें अपन को एक बात मालूम है, दिशाओं का ध्यान रखना है. जिस दिशा में अपन ने वेलोसिटी वेक्टर लिया है ना, उसी दिशा में फोर्स वेक्टर होगा. ठीक है, तो ये आप अपन आगे देखेंगे.